बिहार ट्रेन एक्सीडेंट 24 घंटे बाद भी परिचालन शुरू नहीं, 53 करोड़ से अधिक का नुकसान, मरम्मत कार्य जारी। बिहार ट्रेन एक्सीडेंट रेलवे ने परिचालन पुनर्बहाल करने के लिए यहां रेल क्रेन, रोड क्रेन के साथ ही कई अर्थ मूवर और पोकलेन मशीनों के जरिए काम शुरू किया गया। गैस कटर के जरिए कोचों को काटकर हटाया जा रहा है। इधर घटना के तुरंत बाद लोको पायलट और सहायक लोको पायलट की ब्रेथ एनालाइजर से जांच कराई गई थी, जो रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। बक्सर ब्रह्मपुर बिहार ट्रेन एक्सीडेंट दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन दानापुर रेलखंड के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने के 24 घंटे बाद भी इस मार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप है। रेलवे से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि उनकी प्राथमिकता पहले अप मुख्य लाइन को शुरू करने की है। इस रेल लाइन को कम नुकसान हुआ है, जबकि डाउन मेन लाइन करीब 1 किलोमीटर तक क्षतिग्रस्त। उन्होंने बताया कि OHI तार और इसके लिए लगाए गए खंभों को भी नुकसान पहुंचा है। उम्मीद जताई जा रही कि शुक्रवार को दोपहर बाद तक अप लाइन पर परिचालन बहाल किया जा सकता है। डाउन लाइन पर परिचालन शुरू होने के लिए शनिवार या रविवार तक का इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसे एक रिपोर्ट। खींच रहा है सर, हट जाइए सर।